में वो है किरण जाधव और वही अकेले बुलिश है, पॉजिटिव है बाजार पर। और किरण की अब हम स्टॉक फ्यूचर्स की पिक्स लेंगे, उन्होंने तीन पिक्स भेजी है और तीनों में वो पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। अरविंद लिमिटेड, एक्चुअली तीनों ही मिड कैप स्टॉक्स हैं किरण की लिस्ट में, तो पहला स्टॉक जो है जहां तेजी करने का मौका दिख रहा है किरण को वो है अरविंद लिमिटेड। बताएं किरण, क्यों पसंद किया आपने इसे? अरविंद लिमिटेड पिछले तीन दिनों से वो एक करेक्शन मोड में था और आज सवेरे से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ता नजर आ रहा है, इसलिए मेरा ये पिक रहा है। और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 310 का रखना बहुत जरूरी होगा, टारगेट 319 जो कि आज दोपहर शाम तक आ जाना चाहिए, तो ये मेरा पहला पिक है। किरण ये बताइए, ये टारगेट आना तो ठीक है, लेकिन ये टारगेट की आप टाइमिंग कैसे करते हैं? टारगेट की टाइमिंग, टारगेट आज दोपहर तक शाम तक आ जाए, तो ये टाइमिंग करना बड़ा भारी काम है। ये भी क्या चार्ट्स पर दिख जाता है सर? बिल्कुल, जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स में जितने कैंडल्स उसके इन्वॉल्व होते हैं उसके 1/3 टाइम फ्रेम में टारगेट आ जाते हैं। चलिए वंडरफुल, अरविंद लिमिटेड खरीदारी करने की राय, 1% ऊपर है। आज देखिए बाजार 200 पॉइंट से ज्यादा गिरा हुआ, लेकिन अरविंद 1% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट देखिए क्या बड़ा है, 9% और 360,000 शेयर जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो किरण ने स्टॉक पसंद किया वो तो एकदम परफेक्ट है डेटा के दम पर। अब चल जाए यहां से तो 310 के टारगेट के लिए, 310 का स्टॉप लॉस रखिए, माफ कीजिएगा, तो स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, सिर्फ 1% का, तो रिस्क ज्यादा नहीं है। 319 का लक्ष्य और किरण का ये दो दिनों का सौदा है, हो सकता है आज ही आपका काम हो जाए। स्टार स्ट्राइड्स आर्कोलैब जिसे हम कहते हैं, इस स्टॉक पर भी बुलिश है किरण खरीदारी करने की राय। बताइए किरण, क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? अनिल जी, इसके टारगेट 1420 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा जहां पे आपको रिव्यू लेना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, और ये 2 से 4 दिन के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छे 9-10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज ओपन इंटरेस्ट और मूव भी बहुत अच्छे, स्ट्रांग मूव आई है, वर्टिकल मूव आई है, तो मेरे ख्याल से इधर कोई बड़ी मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। स्टॉप लॉस 1360 जो कि बहुत नजदीक है वो लगाना चाहिए, और टारगेट 1420 का मैं पहले एक्सपेक्ट करता हूँ, और उसके बाद ये अगर अचीव होता है तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आगे 1480 तक जाने की संभावना बन जाती है स्टॉक में। तो किरण अभी 1385 ही चल रहा है, स्टॉक 1.25% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 1,00,000 शेयरों से बढ़ा है 5.5%, तो वायदा कारोबार में आपने स्टॉक तो एकदम सही पकड़ा है कि यहाँ पर तेजी हो रही है, पोजीशन भी बन रही है। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर का दे सकते हैं या 1360 ही लगाना होगा? थोड़ा दूर लग रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको दूर लग रहा होगा, तो कैश लेवल्स के बारे में तो ओके। तो ये अरविंद का भी आपने जो टारगेट दिया वो कैश लेवल का ही है? बिल्कुल कैश लेवल, सारे के सारे कैश लेवल से। ओके, तो 1360 का कैश का स्टॉप लॉस है स्ट्राइड्स।